नमस्कार साथियों, जैसा कि हमें पता है श्री समृद्धि क्लासेज द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अस्तित्व ऐप पर करवाई जा रही है। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार, प्रत्येक शनिवार और रविवार को तथा बुधवार और गुरुवार सुबह 10 बजे तक रहती है। और एक आपके लिए विशेष सूचना, 8 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे आपका एक टेस्ट करवाया जाएगा, RSSMB लेवल पर, एग्जाम पैटर्न पर, जिसे करीब 5 से 6 हजार स्टूडेंट्स एक साथ में देंगे। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। और कैसे करना है इसके लिए आप प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखे हैं, उन्हें देखिए और गूगल प्ले स्टोर से अस्तित्व ऐप को इंस्टॉल कीजिए और 8 तारीख को पेपर देना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं उसी श्रृंखला में, पेपर नंबर 8। पहला प्रश्न है, शेयर्स SERLS द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? सेल्स द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? ऑप्शन है हमारे सामने, एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस विथ स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस बुलेटिन। क्या है आंसर? आपका आंसर रहेगा बी, लाइब्रेरी साइंस विथ स्लॉट टू डॉक्यूमेंटेशन 1964 में, 1988 तक कुल 25 संस्करण आपके इसके प्रकाशित आ चुके हैं। और सन 2000 में 37 वॉल्यूम से सूचना प्रबंधन जनरल के रूप में प्रकाशित हो रही है। नोट कर लीजिएगा, लाइब्रेरी साइंस विथ स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन 1964, 1988 तक 25 वॉल्यूम में आ चुके हैं। 2000 में, सन 2000 में 37 वॉल्यूम से सूचना प्रबंधन जनरल जर्नल के रूप में प्रकाशित हो रही है, लाइब्रेरी साइंस विथ स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन। सेल्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी बता सकते हैं आप में से? वेरी गुड, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। प्रायः रंगनाथन महोदय की लिखी पुस्तकें अगर 1963 से पहले की प्रकाशित है तो वह किसके द्वारा? माला, मद्रास एसोसिएशन द्वारा, और उसके बाद में सेल्स की। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न मानकों को निर्धारित करने के लिए भारत का प्रमुख संस्थान है ISI, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ऑप्शन में आप देखें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंफॉर्मेशन सेंटर। ISI का नाम बदल करके क्या हो गया है? BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइबर शब्द से पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है, लाइबर किस भाषा का है? लैटिन। ऑप्शन देखिए, लाइबर शब्द से पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है लाइब्रेरी, पुस्तक, प्रिंटिंग, प्रकाशक। वेरी गुड, पुस्तक। सही आंसर रहेगा आपका लाइबर, पुस्तक, और लिब्रा एक समानार्थी शब्द है फ्रेंच भाषा का, जिसका क्या अर्थ होता है? प्रकाशक की दुकान। लाइबर और लिब्रा, जर्मन भाषा में आप पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? जर्मन, नोट कर लीजिए, जर्मन बिब्लियोथेक, BIBLIOTHECK। जर्मन में क्या कहोगे? BIBLIOTHECK।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीसीसी 1963 संस्करण में भूमिका तथा संशोधन कितने पेज में दी गई है। ऑप्शन है हमारे सामने 10, 19, 21, 28। वेरी गुड, 28 सही आंसर रहेगा आपका। 28 भूमिका और संशोधन, 1 से 28 तक भूमिका और आपको 19 से 28 क्या था, एनेक्स और परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक रंगनाथन है यह कहकर किसने संबोधित किया था। ऑप्शन है सर मार्क ग्रेवर, राधाकृष्णन, सेयर्स, सीडी देशमुख। किन्होंने कहा था कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक रंगनाथन ने यह कहकर संबोधित किया था। सर ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा ए, सर ग्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण एलसीसी का विकास किस सन में हुआ। ऑप्शन है 1933, 1905, 1904, 1948। देखिए ऑप्शन नंबर ए 1933, 1933 की कोई घटना पता हो, 12 सितंबर 1933 याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है। आईएलए की स्थापना, 1933 की एक और घटना है कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण भी प्रकाशित हुआ था 1933, कॉलन क्लासिफिकेशन। आईएलए की स्थापना आपकी 1933, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 12 सितंबर 1933। 1905 यूडीसी, 1906 सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और आपका नेक्स्ट है 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, सही आंसर रहेगा 1904। नेक्स्ट है आपका 1948, कोई घटना, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया था, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 1661 में की गई थी। फ्रांस स्टेट लाइब्रेरी, डेनमार्क स्टेट लाइब्रेरी, लेनिन स्टेट लाइब्रेरी, जर्मन स्टेट लाइब्रेरी। 1661 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, जर्मन स्टेट लाइब्रेरी, सही आंसर रहेगा आपका जनरल जर्मन स्टेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसीआई कितने प्रकार के होते हैं, एसीआई कितने प्रकार के होते हैं, एसीआई फुल फॉर्म, एंटीरियराइजिंग, कॉमन आइसोलेट, कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए, कॉमन आइसोलेट दो प्रकार के, वेरी गुड, एसीआई और पीसीआई। पीसीआई की फुल फॉर्म पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, कितने प्रकार के होते हैं, दो, और एसीआई तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न पत्रिकाओं के लिए ISSN की तरह ही अन्य किस प्रकार के कोड का उपयोग किया जाता है। ISSN किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा, निस्केयर। तो उसी तरह किस प्रकार के कोड का प्रयोग किया जाता है पत्रिकाओं के लिए। ऑप्शन है हमारे सामने एक ISBN, कोडेन, ASCII, ISBD। सही आंसर आपका रहेगा कोडेन। कोडेन ISSN कितने अंक का होता है, 8 अंक में जारी किया जाता है और कोडेन आपका 6 अंक का रहेगा,
जो अल्फाबेटिकल अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन है आपका ISBN। ISBN कितने अंक का होता है? 13 अंक का। और वेरी गुड, किसके द्वारा जारी किया जाता है बता सकते हैं? RRLF। ISBN RRLF द्वारा 13 अंक का कोड है। और पहले यह कितने अंक का रहता था? 10 अंक का। पूछा जाता है कि वर्तमान में ISBN कितने अंक का है? ऑप्शन में ये सबसे पहले यही रहेगा, 10, 13, 8 या 6। सही आंसर रहेगा 13। और यहाँ पे आपसे पूछा है ISSN की तरह ही कोडेन, कोड किस प्रकार का है? कोडेन प्रकार का है। और 1 जनवरी 2007 को आपका यह 13 अंक का हो गया ISBN। और ऑप्शन डी में दे रखा है आपका ISBD, फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यह एफला द्वारा जारी किया जाता है। नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथाना निम्न में से किस संस्था का आधिकारिक प्रकाशन है? 2 से 3 बार हमारे सामने यह प्रश्न आ चुका है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ग्रंथाना निम्नलिखित में से किस संस्था का आधिकारिक प्रकाशन है? ऑप्शन है RRLF, UGC, DESIDOC, NISCARE। सही आंसर आपका रहेगा RRLF। ग्रंथाना की फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति? 6 महीने, हाफ ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NML का उद्घाटन कब किया गया? 11 नंबर क्वेश्चन है, NML का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, 30 जनवरी 1999, 1 फरवरी 1953, 3 फरवरी 2014, 15 अगस्त 2016। सही आंसर रहेगा आपका 3 फरवरी 2014। किनके द्वारा? प्रणव मुखर्जी द्वारा। NML की फुल फॉर्म, नेशनल मिशन लाइब्रेरी। यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है NML, बता सकते हैं? ऑप्शन 10वीं पंचवर्षीय, 11वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय, 11वीं पंचवर्षीय। NML 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DDC में बुक नंबर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मेरिल पद्धति का, कट्टर पद्धति का, सैनबॉर्न पद्धति का, या इनमें से कोई नहीं। DDC में बुक नंबर, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है CC में बुक नंबर। यहाँ पे पूछा है आपका DDC में बुक नंबर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर रहेगा कट्टर पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। ऑथर के नाम के प्रथम 3 अक्षर अपन लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में, CC में बुक नंबर का फॉर्मूला किनके द्वारा दिया गया? रंगनाथन महोदय के द्वारा, जिसमें परिसूत्र और उपसूत्र दिया था, LFYA.V-S:C:CR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना देवी महोदय के द्वारा किया गया, यह किस सन में स्थापित किया गया? लाइब्रेरी ब्यूरो नामक संस्था की स्थापना देवी महोदय द्वारा 1876 में किया गया। 1876 की और कोई घटनाएं प्रमुख? ALA की स्थापना, वेरी गुड। और डिक्शनरी कैटलॉग, वेरी गुड।
हमारे सामने आप तीन घटना देख लीजिए। 1876 लाइब्रेरी ब्यूरो की स्थापना देवी महोदय द्वारा, 1876 ALA की स्थापना, 1876 डिक्शनरी कैटलॉग, 1876। ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है 1911। 1910-11 की कोई घटना AW बोर्डन द्वारा शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से भारत में रेफरेंस कोर्स शुरू किया गया था, याद आ रहा है कुछ? AW बोर्डन द्वारा शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय के प्रयासों से भारत में रेफरेंस कोर्स ऑफ लाइब्रेरी शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटरेसी सोसाइटी बॉम्बे की स्थापना किस सन में की गई? लिटरेसी सोसाइटी, वेरी गुड, 1804 में सही आंसर रहेगा आपका, 1804 लिटरेसी सोसाइटी। एक ऑप्शन है आपका बी 1904। 1904 की कोई घटना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैनन का गणितीय फॉर्मूला किससे संबंधित है? पहले पेपर में हमने किया था, बताया था शैनन का फॉर्मूला, शैनन और वीवर फॉर्मूला कब आया? वेरी गुड, 1948 में सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, दिए गए डेटा को पढ़ने से संबंधित, संदेश को प्रेषित करने से संबंधित, सूचना सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित, इनमें से सभी। वैसे देखा जाए यह फॉर्मूला सूचना सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूचना सिद्धांत की व्याख्या। जबकि हम यहाँ पे देखें चारों ऑप्शन, तो पहला दिया गया है दिए गए डेटा को पढ़ने से संबंधित, संदेश को प्रेषित करने से संबंधित, और तीसरा दिया है सूचना सिद्धांत की व्याख्या से संबंधित। सही आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि हमने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में इस फॉर्मूले के द्वारा कोड ब्रेकिंग और टेलीकम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। पिछले पेपर में हमने देखा था पूरी डिटेल इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉल नंबर में सम्मिलित है, ऑप्शन दे रखे हैं कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर। कॉल नंबर किससे बनता है? कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर, सभी से, तीनों मिलकर क्या बनता है? कॉल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल सामग्री के उपयोग में सक्षम और असक्षम उपयोगकर्ता के अंतर को संदर्भित करने वाला शब्द कौन सा है? डिजिटल डिवाइस, डिजिटल सामग्री के उपयोग में सक्षम और असक्षम उपयोगकर्ता के अंतर को संदर्भित करने वाला शब्द डिजिटल डिवाइस। और डिजिटल लिटरेसी, सूचना साक्षरता किनके द्वारा किया गया? वेरी गुड पॉल जी, ज्यूरोवास्की 1974 1974 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीडीसी के किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है? डीडीसी के किस संस्करण को स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है? 19वां, 17वां, 16वां, 15वां, ये तो सभी को पता होना चाहिए। डीडीसी स्टैंडर्ड एडिशन 15वां एडिशन 1951 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? डॉक्टर रंगनाथन की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन है आपका पॉलीगोमिना, प्रोलीगोमिना, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कॉलन पद्धति, शुद्ध अनुसंधान।
पहली पुस्तक 1928, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1938 में प्रकाशित हुई थी। पॉलीगोमिना का भाई कब प्रकाशित हुई थी? 1937। कॉलन पद्धति 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ACR2 1988 में GMD को कहाँ लिखा जाता है? GMD फुल फॉर्म पता है, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दे रखा है आपका, कहाँ लिखा जाता है GMD, कहाँ लिखा जाता है? लेखक के बाद में, टाइटल से पहले, टाइटल के बाद में, लेखक से पहले? सही आंसर रहेगा आपका टाइटल के बाद में। ACR2 का पहला संस्करण कब आया था? 1978। और दूसरा संस्करण 1988। ACR2 का नवीनतम संस्करण कब आया? ACR2 का लेटेस्ट संस्करण जून 2010, किस नाम से? RDA, रिसर्च डिस्क्रिप्शन एक्सेस, जो कि 10 भागों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस समिति की सिफारिशें किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है? पेरिस समिति कहाँ की थी? यूके। किससे संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, शैक्षणिक, मेडिकल या सार्वजनिक। पेरी कमेटी एकेडमिक यूनिवर्सिटी से संबंधित, ऑप्शन है हमारा सही शैक्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? कितने संस्करण आ चुके हैं? पांच। पहला संस्करण 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन देखिए, KP सिन्हा, हंटर, एम सैडलर, रंगनाथन। वेरी गुड, एम सैडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष एम सैडलर थे। कब आया था सैडलर आयोग? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। KP सिन्हा किस कमेटी के अध्यक्ष थे? सिन्हा कमेटी या एडवाइजरी कमेटी 1957। और रंगानाथन महोदय लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कॉलेज में मेलविल देवी ने सबसे पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में कार्य किया? मेलविल देवी सर ने सबसे पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में कार्य किया, एम्स हर्ड कॉलेज, जहां पे उसी पुस्तकालय के लिए उन्होंने DDC बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइजली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर रंगानाथन, KM असदुल्ला, डॉक्टर होरा, इनमें से कोई नहीं। आइस लीग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होरा कब बने थे? 3 सितंबर 1955 को कलकत्ता में। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है आइस लीग के प्रकाशन पब्लिकेशन, आइस लीग बुलेटिन? वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बुलेटिन, आइजलीग बुलेटिन? त्रैमासिक। आइजलीग न्यूज़लेटर मासिक। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट वार्षिक, ये तीनों प्रकाशन आपके आइजलीग के हैं। आइजलीग बुलेटिन त्रैमासिक, आइजलीग न्यूज़लेटर मासिक और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट मासिक वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
रिप्रोग्राफी, रिप्रोग्राफी किस प्रकार की सेवा का भाग है? रिप्रोग्राफी किसे कहोगे? फोटोग्राफी और रिप्रोडक्शन बराबर रिप्रोग्राफी, यानी कि फोटोकॉपी। तो आप ऑप्शन देखिएगा, करंट अवेयरनेस सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, रेफरेंस सर्विस है या रेफरल सर्विस है। सही आंसर रहेगा आपका रिप्रोग्राफी इंफॉर्मेशन सर्विस है। रेफरेंस सर्विस तो लाइब्रेरियन प्रदान करता है। रिप्रोग्राफी का शब्द का प्रयोग कहां और कब हुआ कोई बता सकता है? आर्नो वैगनर, आर्नो वैगनर के अनुसार रिप्रोग्राफी शब्द का प्रयोग हॉलैंड में 1947 से 1950 के बीच में हुआ। लिख लीजिए, रिप्रोग्राफी शब्द का प्रयोग आर्नो वैगनर के अनुसार हॉलैंड में 1947 से 1950 के बीच में हुआ। एक थे अपने जे एस राइट महोदय के अनुसार रिप्रोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग 1954 में हुआ। आर्नो वैगनर के अनुसार 1947 से 1950 के बीच, जे एस राइट के अनुसार 1954 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की नीतियों से संबंधित सूचना विनिमय प्रणाली स्पेनिश को किसने प्रोत्साहित किया था? यूनिडो, आईएलओ, यूनेस्को, आईएईए। सही आंसर रहेगा आपका यूनेस्को, स्पेनिश। और एक शब्द आता है आपका नेपलिस, नेपलिस किसके द्वारा? वेरी गुड, RRLF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कृत्रिम नाम है, निम्नलिखित में से कृत्रिम नाम है, कृत्रिम नाम काल्पनिक नाम। सही आंसर रहेगा आपका काल्पनिक नाम। किसे कहोगे? जो अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है या पॉपुलर होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किस पुस्तकालय में जॉन मैकफरलेन को पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफरलेन? वेरी गुड, इंपीरियल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेक का पूर्ण रूप है, ओपेक का पूर्ण रूप है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओनली पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एसोसिएशन कैटलॉग। ओपेक का सही आंसर रहेगा आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन कैटलॉग 1975 में ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किए गए। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यह कार्ड कैटलॉग एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो ओपेक के आपका पुस्तकालय के संग्रह का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तकालय के संग्रह का प्रवेश द्वार है ऑनलाइन संस्करण ओपेक, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, निम्नलिखित में से अंबु संग्रह से कौन सा तथ्य संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, यह सरस्वती महल लाइब्रेरी की पांडुलिपि थी, यह राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशेष संग्रह है,
यह नालंदा पुस्तकालय का हस्तलिखित ग्रंथ है। उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। अंबु संग्रह राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशेष संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कट्टर के पुस्तक नंबर हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कट्टर के, अभी आपने देखा था, कट्टर के पुस्तक नंबर हेतु, बुक नंबर हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑथर के प्रथम तीन अक्षर, सरनेम ऑफ ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर, स्कॉप्स, जीमेल, हैंगआउट। सही आंसर रहेगा ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार, GFR के अनुसार, प्रति वर्ष कितनी पुस्तकें उचित नुकसान की मानी गई है? 2005 के GFR 2005 के अनुसार, वेरी गुड, 5 पुस्तकें, 1000 पे 5। 1963 के अनुसार, GFR 1963 के अनुसार 3 पुस्तकें, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉल जी ज्यूरोवास्की ने 1974 में किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? पॉल जी ज्यूरोवास्की ने 1974 में सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी में नीचे से ऊपर के सिद्धांत का प्रयोग मुख्य वर्ग बॉटनी में किया जाता है? सीसी में नीचे से ऊपर के सिद्धांत का प्रयोग मुख्य वर्ग बॉटनी में किया जाता है। इस तथ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? उपरोक्त तथ्य सत्य है, उपरोक्त तथ्य आंशिक रूप से सही है, उपरोक्त तथ्य गलत है, उपरोक्त तथ्य में सही या गलत कहा नहीं जा सकता, कौन सा सही रहेगा? वापस देखिए, सीसी में नीचे से ऊपर के सिद्धांत का प्रयोग मुख्य वर्ग बॉटनी में किया जाता है। आपके ये कहां पे आते हैं? सहायक अनुक्रमांक सिद्धांत, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत में बॉटनी नीचे से ऊपर, जड़, तना, फूल, पत्ती। उपरोक्त तथ्य सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वेब जंक्शन किसका एक प्रोग्राम है? इफ्ला, OCLC, स्लेप या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस? किसका है? OCLC का। सही आंसर रहेगा आपका OCLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा का अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था? भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा का अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था? अमेरिकन पेटेंट लॉ 1810, द पेटेंट बिल 1813, द डिजाइन एक्ट 1911 या ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852? सही आंसर रहेगा आपका ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा का अधिकार अधिनियम ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस सन में पारित किया गया? ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 में, वेरी गुड, सही आंसर।
खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 में। ऑप्शन है हमारे सामने 1959, 1990, 1991, 1969। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1969, 1991 की कोई घटना याद कीजिए। यूजीसी द्वारा इन्फिलिपनेट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूनिट कार्ड किस सिद्धांत से संबंधित है? यूनिट कार्ड ACR, ACR 2 से। ऑप्शन दे रखे हैं AA कोड, ब्रिटिश कोड, CCC, ACR, AACR। सही आंसर रहेगा AACR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूनिवर्सल अवेबिलिटी पब्लिकेशन UAP प्रोग्राम है? ILA का है, FID का है, IFLA का है, यूनेस्को का है? किसका है? UAP, IFLA का है, IFLA का प्रोग्राम है UAP। एंड्रू कार्नेगी ने मुख्यतः किस संबंध में दान किया था? कार्नेगी मॉडल भी आया था पहले पेपर में, याद कीजिए। एंड्रू कार्नेगी ने मुख्यतः किस संबंध में दान किया था? ऑप्शन दे रखा है फर्नीचर के लिए, वेतन के लिए, पुस्तकों के लिए या पुस्तकालय भवन के लिए। क्या रहेगा सही आंसर? सही आंसर रहेगा आपका पुस्तकालय भवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुस्तकालय के द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है? अभी हमने देखा था ISBN 13 डिजिट का एक कोड है, 1 जनवरी 2007 से 13 अंक का हो गया, उससे पहले यह 10 अंक का होता था। यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? RRRLF द्वारा प्रदान किया जाता है। और निस्केयर ISSN, यह 8 अंक का होता है। ISBN आपका 5 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग प्रीफिक्स, जो जिसमें कितनी डिजिट होती है? 3 डिजिट। दूसरा भाग होता है आपका रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप एरिया क्षेत्र या एरिया क्षेत्र भाषा और धर्म इनको लेते हैं, जो आपका 1 से 5 डिजिट का होता है, अधिकतम 5 और कम से कम 1। टोटल 5 भाग होते हैं। पहला आपने देखा प्रीफिक्स, जो 3 अंकों का है। दूसरा रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्षेत्र भाषा और धर्म 1 से 5 अंक तक। दूसरा है आपका रजिस्ट्रांट यानी कि पब्लिकेशन, इसमें आते हैं आपके पब्लिशर, पब्लिशर जो अधिकतम 6 अंक का रहता है। चौथा भाग आपका आता है पब्लिकेशन, जिसमें एडिशन की सूचना दी जाती है, इसमें भी अधिकतम 6 डिजिट हो सकते हैं, टोटल 13 डिजिट। पहले प्रीफिक्स में 3 फिक्स है डिजिट, 3 अंक का डिजिट रहेगी। दूसरा आपका था एरिया धर्म या भाषा यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित, जिसमें 1 से 5 अंक तक हो सकते हैं। तीसरा आपने देखा रजिस्ट्रांट पब्लिशर, जिसमें अधिकतम 6 अंक। और चौथा आपका भाग आता है पब्लिकेशन, जो जिसमें एडिशन की सूचना रहती है, यह भी अधिकतम 6 अंक का हो सकता है, 6 डिजिट का। और अंतिम जो पांचवा भाग रहता है चेक डिजिट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है चेक डिजिट, ISBN में चेक डिजिट कितने अंक का होता है? 1 अंक का। ISBN आपका RRLF द्वारा जारी किया जाता है। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए तथ्यों को कूटों की सहायता से क्रमानुसार लगाइए। पहला है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका,
एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मैकग्रो हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको क्रम अनुसार दर्शाना है, तो हमें पता होना चाहिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1761 से 71 के बीच में प्रकाशित होती है यूके से, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1829 में ग्लोरियर जर्मन द्वारा प्रकाशित, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1968 एलन कैंट द्वारा 23 वॉल्यूम में प्रकाशित, मैकग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1960 से प्रकाशित टाटा मैकग्रो हिल द्वारा। सही आंसर क्या रह जाएगा? 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। किस समिति या आयोग ने यह अनुशंसा की है कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है? इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, स्टेट होम समिति 1932, रिचे समिति 1926, फेजी कमीशन 1939, सैडलर समिति 1916। इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में रिचे समिति 1928 यूके। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र दे रखे हैं जिनको सुमिलित करवाना है। पुस्तकालय की स्थिति, राज्य का दायित्व, प्रचार और पुस्तकालय स्टाफ की शक्ति। पुस्तकालय की स्थिति कौन सा सूत्र, 5 लॉज में से कौन सा सूत्र रहेगा? प्रथम राज्य का दायित्व, दूसरा प्रचार, किसमें आएगा? पांचवें सूत्र में। वेरी गुड। पुस्तकालय स्टाफ की शक्ति, शक्ति आपका रहेगा पांचवा और प्रचार आपका रहेगा तीसरा। सही आंसर रहेगा 4, 1, 2, 3। मिलान कर लीजिएगा। पुस्तकालय की स्थिति पहला कानून।